नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। मैं हूं नमन अग्रवाल। आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने नानाराव पार्क में आने वालों पर प्रवेश शुल्क लगाने के विरोध में नगर निगम के खिलाफ धरना दिया एवं नगर विकास मंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर आयुक्त सूर्यकांत त्रिपाठी, संयुक्त नगर आयुक्त रजनीश यादव, उद्यान अधिकारी वी के सिंह को सौंपा एवं सख्ती के साथ कहा कि किसी भी हालत में प्रवेश शुल्क नहीं लगने देंगे। नगर निगम कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2022 को नानाराव पार्क में घूमने आने वालों पर प्रवेश शुल्क लगा दिया गया है। नानाराव पार्क कानपुर का ऐतिहासिक पार्क है, जहां लंबे समय से आसपास घनी आबादी में रहने वाले लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, कुछ बच्चे खेलने भी आते हैं। अंदर तरणताल भी है, उसका भी उपयोग करते हैं, स्केटिंग रिंग का भी उपयोग करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा उक्त पार्क का सुंदरीकरण किया गया है, जिसमें ओपन जिम, साइकिल ट्रैक, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, स्केटिंग रिंग इत्यादि अनेक सुविधाएं विकसित की गई। तत्पश्चात जैसे ही पार्क हैंडओवर हुआ, वैसे ही नगर निगम कानपुर द्वारा प्रवेश शुल्क लगा दिया गया, जिसको लेकर मॉर्निंग वॉकर्स एवं अन्य शहर वासियों में रोष की स्थिति है। पार्क डेवलप करना और उनका रखरखाव करना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। नगर निगम पहले से ही हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, विज्ञापन टैक्स आदि अनेक प्रकार के टैक्स शहरवासियों से लेता है, जिससे शहर की सुविधाओं को मेंटेन करता है। नगर निगम द्वारा ही नानाराव पार्क का पूर्व में रखरखाव किया जा रहा था। स्मार्ट सिटी से उसका विकास हो जाने के बाद नया टैक्स लगाया जाना कतई अनुचित है। जिस प्रकार से पहले नगर निगम उसका रखरखाव करता था, उसी प्रकार से रखरखाव आगे भी करना चाहिए। अवगत हो कि उक्त पार्क के बनाने के दौरान कई अनियमितताएं भी हुई। जगह जगह नया साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक धस गया है। गुणवत्ता काफी खराब है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार की, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नानाराव पार्क के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच शासन की किसी बड़ी एजेंसी से कराई जाए। प्रवेश शुल्क के नाम पर लगाई जाने वाली फीस को तत्काल वापस लिया जाए। नगर निगम अपने संसाधनों से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, विज्ञापन आदि से पूर्व की भांति पार्क का रखरखाव करे। खुली हवा में सांस लेने को प्रतिबंधित किया जाना उचित नहीं है। यदि मॉर्निंग वॉकर्स पर लगाया गया शुल्क एक हफ्ते में वापस नहीं लिया गया, तो हम सब अनिश्चितकालीन धरना देंगे। साथ में विधायक कैंट मोहम्मद, हसन रूमी, नीरज सिंह, अशोक केसरवानी, सर्वेश यादव, नंदलाल जायसवाल, अंबर त्रिवेदी, वरुण मिश्रा, टिल्लू जायसवाल, पार्षद अभिषेक गुप्ता, मोनू, अमित मेहरोत्रा, बबलू, मोहम्मद सारिया, सुशील तिवारी, हरिओम पांडे, रजत वाजपेयी, दुर्गेश चक, विजय अवस्थी, अमित गुप्ता, आकाश यादव, अनुराग मिश्रा आदि मौजूद रहे। जिसका हम लोग विरोध करते हैं। खुली हवा में सांस लेने पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। हालांकि आतताई सरकारों ने खाने के चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, कपड़े पर टैक्स लगा दिया, यहाँ तक कफन पर टैक्स लगा दिया, दूध दही पर टैक्स लगा दिया, आटा चावल पर टैक्स लगा दिया, पर अब खुली हवा में सांस लेने पर टैक्स लगाओगे? प्रवेश का शुल्क कहीं नहीं पड़ता है। आप यदि प्राइवेट मॉल तक में जाइए तो मॉल घूमने का तो पैसा नहीं पड़ता, सामान खरीदने का पैसा पड़ता है। अगर इस तरह की परंपराएं चलेंगी तो लोग हर सरकारी दफ्तर में टैक्स लगा देंगे एंट्री करने का, लोग कचहरी में एंट्री करने टैक्स लगा देंगे। एंट्री करने का टैक्स का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। नगर निगम किसी विशेष सुविधा को दे तो उस सुविधा का शुल्क ले सकती है, लेकिन पार्किंग शुल्क, मॉर्निंग वॉकर से लिया जाना या एंट्री फी दिया जाना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। धरना देकर के उन्होंने विरोध किया है। जरूरत पड़ी तो 1 तारीख से अनावरत धरना भी देंगे, गांधीबाई तरीकों से आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो आक्रामक आंदोलन भी करके इस टैक्स को लगने नहीं देंगे। पहले की बात है, एक दिन बैंकिंग को उजाड़ने आ गए, सबको मना कर गए थे कि बैंकिंग बंद कर दीजिए। जितेंद्र भाई का खबर आई, अपने भाई का फोन आया, तो खबर आई कि ये ठीक नहीं है। और हम भी समझते हैं कि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं। बुजुर्गों ने कहा है कि पहला सूखे निरोगी का आया, और जो लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको उससे रोकना कतई ठीक नहीं। तो मैंने एक्सचेंज से कहा कि हमें ये बैंकिंग को नहीं टूटनी चाहिए। उसने कहा सर उसका डिस्टर्बेंस होता है, बहुत लोग शिकायत करते हैं, हम बहुत सीनियर लोग खेलते हैं, तो वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है जिससे कोई शिकायत कर सके। अपना उसको डिस्टर्ब मत करिएगा। आपने पहले ही क्रिकेट बंद कर दिया, चलो ठीक है, गेंद लगा दी, मान लिया हम लोगों ने, लेकिन इसको बंद नहीं करिए। तो उन्होंने कहा सर उसमें हम लोगों को फीस लगा देगा, ये हमको 6 महीने पहले उन्होंने बताया कि हम लोग फीस लगा देंगे, तो हमें फीस आप नहीं लगा पाएंगे। अगर हम चुनाव दोबारा जीतते तो आप फीस नहीं लगा पाएंगे, तो बात तो आई नहीं होगी। लेकिन हम सतर्क तब से थे कि हमें लग रहा था कि कभी ना कभी ये खुराफा कर सकते, फीस लगा सकते। तो जितनी नगर निगम की हाउस कमेटी छोटी उसमें हम अलर्ट थे, कार्यकारिणी की बैठक ये परसों हो रही थी, हम सारी कार्यकारिणी की बैठक के बड़े अलर्ट थे। मालूम था प्रस्ताव किसी कार्यकारिणी में या किसी सदन में ही आएगा, तो जो कार्यकारिणी प्रस्ताव आने की खबर हमको मिली तो हमारे पार्षद साथी यहाँ बैठे हैं, बबलू मेहरोत्रा जी, हमारे अभिषेक गुप्ता, मोनू जी, दोनों पार्षद हमारे कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। तो हम लोगों दोनों कार्यकारिणी मेंबर सतर्क किया कि आप लोग जाइएगा तो कार्यकारिणी में प्रस्ताव को आ रहे हैं उसका विरोध करिएगा। तो उन्होंने मानेंगे बैठक है,
सिग्नल मारेंगे नहीं, हमें माने या ना माने, पर आप अपना विरोध दर्ज करा दीजिए कि हम लोग सरकार के विरुद्ध व्यवस्था के खिलाफ उसका विरोध दर्ज करा दीजिए, उसमें जो होगा आप लोग उसको आगे बताएंगे। क्या ये है, ये सारी अशोकबाजी बोल रहे हैं, टैक्स खरीदने के बच्चे जा रहे हैं, बहुत लोग कुकर पैसे करते रहे, 10 रुपये में क्या जाता है, बहुत लोगों का 10 रुपये 2000 रुपये में जाता है, लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से गलत है वो गलत है। हम लोग जनस्क्वायर जाते हैं, आप लोगों से लोग जनस्क्वायर जाते होंगे, तो जो जनस्क्वायर में घुसने का पैसा लगता है, क्या एस पी को पता नहीं लगता है, सामान घुसते सामान का पैसा लगता है। अभी कल को ये थाने में एंट्री करोगे 10 रुपये दे दो, थाने का मेंटेनेंस हो गया, आप कचहरी में एंट्री करोगे 10 रुपये दे दो, कचहरी का मेंटेनेंस होगा, तो मेंटेनेंस के नाम पर हम लोग 10 रुपये लेकर घूमेंगे। और सुबह का समय जो फ्रेश फील होता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आदमी समझता है, याद रखें कि मेरा कार्ड कहाँ पड़ा हुआ है, अगर वो कार्ड करवा लिया है तो, और कार्ड भूल गया होता है तो 10 रुपये बुलाएगा, अब मांगो भी मेरे भाई 10 रुपये रखते हो। सुबह सुबह एक समस्या एक तनाव याद रखने की चीज, इसलिए इसका वोट बैठे। अब नगर निगम को जहाँ पर सवाल है, जो नगर निगम हमसे टैक्स ले रहा है, नगर निगम पर कोई एहसान कोई कृपा नहीं करता, हमसे हाउस टैक्स देता है, जो हाउस टैक्स देता है उस हाउस टैक्स के बदले हमारे हाउस की रिपेयरिंग नहीं कर पाया है, उसके बदले हमारी गली की, हमारी सड़क की, हमारी लाइट की, हमारी नाली की, इसकी भी रिपेयरिंग करता है, कार की रिपेयरिंग करता है, नहीं तो काम हाउस टैक्स का जो हम रजिस्ट्रेशन आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।